आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़ हब और आज हम डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के चेवाकलांग गांव आए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, नीट एग्जामिनेशन के नतज कल आए हैं और जम्मू कश्मीर में अब्दुल बासित नामी कैंडिडेट जो कि इसी इलाके के हैं, उन्होंने टॉप किया है। 705 आउट ऑफ 720 आए हैं उनके और ऑलडर रैंक उनकी 113 है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में लगभग 36,000 से ज़ायद कैंडिडेट्स ने नीट एग्ज़ाम में अपेयर किया और जिनमें से लगभग 20,000 के आसपास जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने क्वालिफाई किया। आज हम इसी इलाके में आए हैं जहां अब्दुल बासित रहते हैं, उनसे जानेंगे उनके क्या कुछ चैलेंजेस रहे और किस तरीके से उन्होंने इतने अच्छे मार्क्स के साथ नीट क्वालिफाई किया। हम आपको बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबादी आपको। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के चेवाकलांग इलाके में आए हैं जहाँ के ये रिहायशी है। आपसे जानना चाहेंगे कितनी बड़ी खुशी है आपके लिए और कब से नीट एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे थे? जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने मुझे इस कामयाबी से नवाजा। मैम, मैंने 9th क्लास में कोचिंग शुरू की थी नीट यूजी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए फॉर 4 ईयर्स इन आकर्षण इंस्टीट्यूट। यानी 4 ईयर्स से आपका एक गोल था कि आपको नीट क्वालिफाई करना है। यस मैम। इसमें क्या कुछ चैलेंजेस रहे, थोड़ा सा उस बारे में बताइए, क्योंकि आपका मेड सब्जेक्ट था फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका तीनों सब्जेक्ट पे होल्ड होगा, किस तरीके से चैलेंजेस को ओवरकम किया? एक चैलेंज तो ये भी रहा है, जब 11th क्लास में मैं था, जो पुलवामा में कुछ फ्रीक्वेंटली शटडाउन होते थे, इंटरनल शटडाउन्स, उसके लिए क्या करना पड़ता था कि वी हैड टू गो आउट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट टू अनदर डिस्ट्रिक्ट फॉर अटेंडिंग द ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि COVID-19 था, उसकी वजह से वी कुड नॉट हैव अटेंडेड द ऑफलाइन क्लासेस। इसमें भी एक चैलेंज रहा है। और इसके अलावा और कई चैलेंजेस? हाँ, छोटे छोटे चैलेंजेस तो होते हैं, जैसे कि मतलब किसी सब्जेक्ट में किसी कहीं पे डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता, वो टीचर्स साथ साथ क्लियर करते थे। अच्छा, आपने टीचर्स का नाम लिया है, मेंटोरशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, आपके टीचर्स की बात करें वो बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं, जो आपको रास्ता दिखाते हैं, जो आपकी तरबियत करते हैं, कितना अहम रोल रहा इसमें आपके टीचर्स का? टीचर्स का तो मतलब इमेंस कंट्रीब्यूशन रहा है, स्पेशली जो हमारे आकर्षण इंस्टीट्यूट के फैकल्टी है, गौतम सर, रजन सर, इलिया सर और इरफान सर, उनका बहुत ही अहम योगदान रहा है इसमें। और मैं गौतम सर को स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा, क्योंकि वो हमेशा मतलब मुझे एडवाइस करते थे, सजेशन करते थे कभी जब भी मुझे कोई इशू आता था, एंड व्हेनेवर आई यूज्ड टू गेट लो मार्क्स इन एनी मॉक टेस्ट, ही यूज्ड टू कॉल एंड इंक्वायर अबाउट द सेम। अच्छा, आज आपने डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का नाम रोशन किया है, आज तमाम आपके पूरे इलाके में एक खुशी छाई है, एक खुशी की लहर छाई है, हम जहाँ से भी पता करके आए वहाँ आपके बारे में जो है एक खुशी का इजहार किया उन्होंने, बहुत बहुत मुबारकबादी वो भी आपको दे रहे थे। आपसे जानना चाहेंगे इसमें पेरेंट्स का कितना अहम रोल रहता है, किस तरीके से आपके पेरेंट्स का इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है? पेरेंट्स का तो मतलब मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, पेरेंट्स और मेरे अंकल जो बाकी फैमिली मेंबर्स, इनका बहुत ही इमेंस कंट्रीब्यूशन रहा है। जो भी मैंने उनको बोला, मतलब जो भी मुझे चाहिए होता था रिगार्डिंग द स्टडी मटेरियल या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना था, दे नेवर यूज्ड टू आस्क सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, जिस तरीके से आपने कहा कि 4 साल से आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे, आपसे जानना चाहेंगे क्या कोई बैकग्राउंड था या आपने खुद ही डिसाइड किया कि आपको नीट क्वालिफाई करना है, डॉक्टर बनना है? जी मैम, मेरे जो अंकल हैं उनका मतलब बचपन से ड्रीम रहा था कि वो MBBS परस्यू करना चाहते थे और एक डॉक्टर बनना चाहते थे, बट ड्यू टू फाइनेंशियल रीजंस दैट वाज नॉट पॉसिबल। इसीलिए क्या हुआ कि मतलब काइंड ऑफ मेमोरी में सेट हो गया था कि इंशाल्लाह फ्यूचर में MBBS परस्यू करना है। यानी आप आपने अपने चाचा का सपना पूरा किया है? जी मैम। जी, ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, ऐसे भी बच्चे हैं जो अपने चाचा का नाम रोशन करते हैं, चाचा का जो सपना है वो पूरा करते हैं, माँ बाप के साथ साथ उनका भी जो दिल है वो खुश कर देते हैं। क्योंकि बासित ने जो क्रेडिट दिया है वो अंकल को दिया है और ये कहा है कि अंकल का ही सपना था कि जो बासित है वो नीट क्वालिफाई करे, वो डॉक्टर बन सके। आपसे जानना चाहेंगे आज आपका सपना जो है बासित ने पूरा किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहमदुहु व नसल्लि अला रसूलिल करीम। अल्लाह ताला का फ़ज़ल है बेटा, ये उनका करम है कि उन्होंने नवाज़ा, वरना हम इस लायक नहीं है। मैं शफादर अख नसीहत करान साहिबो मेहर युद करख कोरे योर के जोर दीन किए, बाकी तुहन फजल इस तुह वरी ब्रोट मैं कोशिश करिए, तमें साथ ओस न तमें साथ कम सर्कमस्टेंसेस गई, तो इनके हार्ट ऑफ द हार्ट्स में रहा है ये, तो इन्होंने मतलब इन्होंने मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट दिया, अल्लाह ताला थी सलामत, बाकी बच्चन तथे सारे सलामत, ये मोनू वन करो टाइम मे करो गुबरा जाय क्या लगू भी पार्न अख दो करो जाय क्यों इनशाला नेक्स्ट आसान तुम्हें गरि नोम मीडिया पर्सनलटीज बे तुम्हें तूत शुक्रिया गुबर मे तुम आयु यूत दूरी पे अस नश ना इंसान ना चीजन निशे तुम्हें कर्व पन टाइम सान खुद बड़ मशहूर से तुंद पर्टिकुलरली तुम तुम फालो करा ये पेट फेसबुकस पे तुम कम बड़ी तथा झोट त मुजरा कहीं कम बड़ी पर्सनलटीन तुम अचान जड़ सिक्योरिटी मे तुम अचान तुम कम कलम तल्ला तुंद दान खाड़ान
چھو تہ سب امپریس پن کورین چھ تہند ہاؤن توے ان سے ون تہ نش تہ کرنمو حق شکریہ شکریہ اچھا آپ سے جاننا چاہیں گے یہ آخری سوال یہ کلوز کنیکشن آپ چاچا ہے ان کے آپ اس کو گائڈ کرتے رہے آپ نے اس کو کہا کہ آپ میرا سپنا پورا کرے باقی چاچا لوگوں کے لیے یہ ایک الگ رول ماڈل بن رہے ہیں آپ ان کے لیے آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے کیسے ونکس ماحول بدل وچان شارٹس مز اللہ تعالیٰ ہس منگو خدایا حسد نش دجات باقی کران تم تی یہ اس تو یہ خدا سن فضل نت کرو تی بیا کووڈ اندو کران یہ تہند فضل یہ نو بس جزاک اللہ آپ سے بس آخری میسج چاہتے ہیں کیونکہ اس بار کچھ ایسے بھی کینڈیڈیٹس ہیں جو کوالیفائی نہیں کر پائے لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے آپ کی طرح وادی کشمیر کا نام روشن کیا ہے جس طریقے سے آپ نے پلوامہ کا نام روشن کیا آپ نے وادی کشمیر کے لوگوں کا سر اونچا کیا ہے آپ کی کیا کچھ میسج رہے گی کیا کچھ ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے گولس کس طریقے سے سیٹ کرنے چاہیے ان اسپائرنٹس کو میم جو لوگ اس سال کوالیفائی نہیں کر پائے ان کے لیے یہ میسج رہے گی کہ آپ وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم گو اینڈ اسٹڈی کنسسٹنٹ ایفرٹس دیجیے جو ٹائم یہ نیٹ مانگتا ہے اس کو دیجیے اینڈ ان شاء اللہ یو ول سکسیڈ اینڈ دوز ہو ہیو کوالیفائڈ آئی ول لائک ٹو کنگریچولیٹ دیم تھینک یو سو مچ تو یہ تھے پلوامہ کے ہونہار پلوامہ کے ایک ایسے کینڈیڈیٹ جنہوں نے جموں کشمیر میں نیٹ ٹاپ کیا ہے آپ کو بتا دیں ان کا کہنا ہے کہ کنسسٹنسی ڈیڈیکیشن امپورٹنٹ ہے اور اگر کنسسٹنٹ رہیں گے ڈیڈیکیٹڈ رہیں گے تو نیٹ کیا چیز ہے کوئی بھی کمپٹیٹیو ایگزام کوالیفائی کر سکتے ہیں ایشیا نیوز ہب کے لیے پلوامہ سے فضا زینب